और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की भूकंप में एक हिंदुस्तानी की मौत की जानकारी सामने आ रही है। लापता हिंदुस्तानी की लाश बरामद हो गई है। तो बड़ी जानकारी तुर्की से आपको बता दें, जलजले के बाद से लापता थे विजय कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर तुर्की से आपको बता दें, तुर्की भूकंप में जिस भारतीय की मौत हुई थी उसकी लाश बरामद कर ली गई है। भूकंप के बाद से ही विजय कुमार लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब बेहद अफसोसनाक जानकारी आपको बता दें, विजय कुमार का शव मिल गया है। तो हिंदुस्तान की जानिब से लगातार हर जानकारी फराहम की जा रही है, हर तरह से चीजों को जाना जा रहा है। जलजले के बाद से विजय कुमार लगातार लापता बताए जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान विजय कुमार की तलाश करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन अब अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, लापता हिंदुस्तानी की लाश बरामद हो गई है। जलजले के बाद से लगातार उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। तुर्की जलजले में एक हिंदुस्तानी के मौत की खबर सामने आ रही है, तस्दीक हो चुकी है, लापता विजय कुमार की लाश मिल चुकी है। विजय कुमार की लाश बरामद हुई। आपको बता चले 6 फरवरी को जलजले की जद में आकर तुर्की पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सारी चीजें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन दोस्त के पेश नजर हजारों लोगों की मदद की जा रही है। उसी के पेश नजर एक हिंदुस्तानी के लापता होने की खबर लगातार 6 फरवरी से आ रही थी और अब तक उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है, लापता विजय कुमार की लाश बरामद हो गई है। यानी एक हिंदुस्तानी की मौत, तुर्की भूकंप की जद में आकर एक हिंदुस्तानी की मौत की खबर, मौत की तस्दीक हो चुकी है। भूकंप के बाद से ही विजय कुमार लापता थे, उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब मौत की तस्दीक हो चुकी है, विजय कुमार का शव बरामद कर लिया गया है। अब विजय कुमार का शव मिल गया है। आपको बताते चलें, तुर्की भूकंप में एक हिंदुस्तानी के मौत की तस्दीक हो गई है, लापता हिंदुस्तानी की लाश मिल चुकी है। जलजले के बाद से ही विजय कुमार लगातार लापता थे और उनकी तलाश की जा रही थी। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से भी सभी तरह से मदद फराहम की जा रही है। ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में एक हिंदुस्तानी की मौत की खबर सामने आ रही है। 6 फरवरी के बाद से तुर्की के हालात बेहद ही अफसोसनाक नजर आ रहे हैं। शहर जलजले की जद में आकर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की जानिब से भी पूरी कोशिश की जा रही है मदद की। एक हिंदुस्तानी के लापता होने की खबर तब से ही सामने थी और अब यह अफसोसनाक जानकारी हिंदुस्तान के हवाले से आपको बता दें, हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी शख्स विजय कुमार जो लापता चल रहे थे जलजले के बाद से, अब उनकी लाश बरामद कर ली गई है। तो तुर्की जलजले की जद में आकर एक हिंदुस्तानी की मौत की तस्दीक हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी तुर्की से आपको बता दें, तुर्की भूकंप में जिस भारतीय की मौत हुई थी उसका शव मिल गया है। भूकंप के बाद से ही विजय कुमार लापता थे, अब विजय कुमार का शव बरामद कर लिया गया है। तुर्की भूकंप में एक हिंदुस्तानी की मौत की खबर, अफसोसनाक जानकारी।